हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूं बजाज के शोरूम में, जो कि राजा गार्डन वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर यहां पर आप मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं बजाज डोमिनार 400 बाइक का। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्या खास है इसमें। ये है बजाज की डोमिनार 400, एक मस्कुलर लुक के साथ। एक क्लियर सिंबल है डोमिनेंस का जब आप इसको रोड पे राइड करते हो। ये आपको स्ट्रेस फ्री राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है और ये आपका दो कलर ऑप्शन के साथ कंपनी इसको ऑफर करती है। एक तो हो गया अरोरा ग्रीन और दूसरा हो गया चारकोल ब्लैक, जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले इसके फ्रंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर में यहाँ पर आपको विंडशील्ड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर ऑफर करी गई है। और उसके नीचे अगर मैं इसके हेडलैम्प सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एलईडी में ही ये ऑफर करे गए हैं। और उसके साथ यहाँ पर आपको डीआरएल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको दो टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ये है इसकी मडगार्ड की लुक, कुछ इस शेप के साथ यहाँ पर ये आपको ऑफर करी गई है। तो ये थी इसकी फ्रंट प्रोफाइल। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। ये है इसकी साइड प्रोफाइल, बहुत ही स्मार्ट लग रही है। सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो है 157 mm, वेट है 193 kg। और अगर मैं इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो वो है 800 mm। चलिए अब इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसके व्हील्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करे गए हैं। तो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर्स ऑफर करे गए हैं। अगर मैं फ्रंट की स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 110/70/17। और वही अगर मैं रियर के स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 150/60/17। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है 320 mm साइज के साथ। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन 230 mm साइज के साथ। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर करा गया है और वही रियर में आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर करा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके इंजन को। तो यहाँ पर आपको इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक DOSC लिक्विड कूल्ड इंजन प्रोवाइड कराया गया है, जो कि 29.4 kW की पावर एट 8800 RPM एंड 35 nm का पीक टॉर्क एट 6500 RPM जनरेट करने में सक्षम है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो वो है 30 kmpl, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 155 km/h। चलिए इसके बाकी एलिमेंट्स को देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि फ्रंट पैसेंजर के लिए प्रोवाइड कराई गई है। और उसके साथ यहाँ पर आपको इंजन कवर भी देखने को मिल जाएगा, विच इज गुड। उसके साथ यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट प्रोवाइड करा दिया गया है। ये है नीचे इसके साइलेंसर मफलर की लुक, ये आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है। और एक चीज यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आपको ट्विन एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर कंपनी ने लुक ऑफर करी है। ऊपर यहाँ पर आपको 400 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसका इंजन जो है 400cc का प्रोवाइड करा दिया गया है। देख लेते हैं इसकी सीट को। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सेटअप के साथ सीट ऑफर करी गई है ब्लैक कलर में। लेदर सीट्स प्रोवाइड कराई गई हैं, काफी कुशन एंड कंफर्टेबल लग रही हैं। और उसके साथ यहाँ पर जो प्लस पॉइंट कंपनी ने ऑफर करा है, यहाँ पर आपको बैक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया गया है पीछे के पैसेंजर के लिए, तो एक कंफर्ट फैक्टर रहेगा पिलियन के लिए। उसके साथ यहाँ पर कंपनी आपको करियर का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दे रही है ग्रैब रेल के साथ। अगर मैं इसके बॉडी के डिजाइन की बात करूं तो कुछ इस तरह की यहाँ पर कंपनी आपको लुक ऑफर कर रही है, काफी मस्कुलर लग रही है। और उसके साथ यहाँ पर आपको डोमिनार का 3D लोगो भी देखने को मिल जाएगा, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट करी गई है। अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मेटल बॉडी ही इंटरनल देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बाइक की ओवरऑल बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी आपको फाइबर फिनिश ऑफर कर रही है। तो ये है इसका रियर प्रोफाइल, दिखाते हैं इसके एलिमेंट्स को, अच्छा लग रहा है। ये है बाइक की रियर लुक, काफी ज्यादा स्मार्ट लग रही है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने वीडियो के दौरान बता दिया था। तो यहाँ पर आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और उसके साथ कुछ इस तरह का बहुत ही अट्रैक्टिव अलॉय व्हील्स यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। फर्दर यहाँ पर सेंटर में आपको सॉकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, विच विल हेल्प यू टू मेंटेन द स्टेबिलिटी व्हाइल राइडिंग दी बाइक। अब देखते हैं इसके रियर के एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेल लाइट दी गई है, ये आपको एलईडी में ही प्रोवाइड कराई गई है। और उसके साथ यहाँ पर आपको दो टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट करी गई है और कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर मडगार्ड की लुक ऑफर करी गई है। तो कुछ
इस तरह की आपको रियर लुक कंपनी ऑफर कर रही है। आप देखते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल को। ये है बाइक की लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल, ये भी बहुत स्मार्ट लग रही है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। उसके पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें आपको डुअल ABS यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट प्रोवाइड करा दिया गया है, और उसके साथ यहाँ पर आपको पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल ही प्रोवाइड कराया गया है। और उसके साथ यहाँ पर आपको साइड कट ऑफ स्टैंड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको 6-speed गियर लीवर का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है, तो ये आपका 1 down and 5 up के साथ ऑपरेट करेगा। पीछे यहाँ पर आपको ओपन चेन ही प्रोवाइड करा दी गई है, जो कि आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होंगे। ऊपर यहाँ पर आपको 400 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ सेम डिजाइन एलिमेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑफर करा गया है, और यहाँ पर आपको 3D लोगो देखने को मिल जाएगा डोमिनार का। यहाँ पर सेंटर में कुछ इस तरह का आपको डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ फ्रंट में जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके सेंटर कंसोल को। तो सबसे पहले फ्यूल टैंक कैप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं, तो यहाँ पर आपको 13 लीटर की कैपेसिटी कंपनी ऑफर कर रही है, और ये आपका E20 फीचर के साथ अवेलेबल है, मतलब आप 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल के साथ आप इसको राइड कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को। तो यहाँ पर आपको डिजिटल सेंटर कंसोल देखने को मिल जाएगा। सॉरी गाइज, अभी बैटरी लो है बाइक की, तो मैं आपको ऑपरेट करके नहीं दिखा पाऊंगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लेकिन यहाँ पर आपको डिजिटल फीचर ही देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपका फ्यूल कम होता है बाइक में, तो वो भी आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के टॉगल स्विचेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लच लीवर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, ये है ग्रैब हैंडल। उसके साथ यहाँ पर आपको पासिंग के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है, और ये हो गया आपका हाई बीम एंड लो बीम के लिए। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल के लिए लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर आपको हॉर्न की प्लेसमेंट करा दी गई है। राइट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको पीछे ब्रेक लीवर प्रोवाइड कराया गया है, यहाँ पर आपको एक्सीलेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको किल स्विच, नीचे यहाँ पर आपको आगे की इल्यूमिनेशन ऊपर नीचे करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, और उसके साथ यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सेंटर में अभी की हैंग्ड है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको मैनुअल की ही देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह की लुक के साथ। यहीं से आप अपने बाइक को ऑपरेट कर सकते हो, इग्निशन ऑन ऑफ यहीं से आप कर पाओगे, लॉक अनलॉक भी आप यहीं से कर पाओगे। सो गाइज, ये थी बजाज की डोमिनार 400 एक बोल्ड एंड मस्कुलर लुक के साथ। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूँ, तो वो है 5 years या फिर 75,000 किलोमीटर। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसका एक शोरूम प्राइस है 2,29,781 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।